पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के खास साथी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग बुधवार को फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से ही की थी। वे अपनी पत्नी सफीना बेग और समर्थकों के साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन बुधवार शाम को अपने कुछ खास साथियों के साथ मुजफ्फर हुसैन बेग से मिलने उनके घर पहुंचे। करीब एक घंटे दोनों में बैठक होने के बाद बेग ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में लौटने की हामी भर दी। इसके बाद लोन ने कहा कि बेग साहब के साथ हमारे घर के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, उन्होंने हमें बचपन में पाला है। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर मेरे वालिद अब्दुल गनी लोन साहब की पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही शुरू किया था। मैं आज उनसे मिला, मैंने एक भतीजे के नाते उनसे अपना हक मांगा और उन्होंने मुझे मेरा हक दे दिया। हमारे घर के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बचपन में पाला है उन्हें हमें, और अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत भी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से की। तो एक भतीजे के नाते पर मैं अपने साथियों के समेत आया था बेग साहब से अपना हक मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो हक अपना जो मेरा बनता है वो हक मुझे दे दिया। मैंने आपको जो बता दिया कि मैं हक मांगने आया था, हक मैंने ले लिया। नहीं, क्या हम इसको जॉइनिंग समझेंगे? आपको बता दें कि मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी पत्नी सफीना बेग के पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की अटकलें पिछले लगातार 2-3 महीनों से चल रही थी। मुजफ्फर बेग का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा था। बेग ने आर्टिकल 370 की समाप्ति के लिए महबूबा को कई बार सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदार ठहराया था। पीडीपी में बगावत थामने के लिए महबूबा ने उन्हें पार्टी पैटर्न भी बनाया था। अलबत्ता नीतिगत मामलों में लगातार अपनी अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने पिछले साल नवंबर में पीडीपी छोड़ दी थी। सफीना पीडीपी की महिला इकाई की अध्यक्ष थी, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर पार्टी को छोड़ दिया था। बारामूला कुपवाड़ा से सांसद रह चुके मुजफ्फर हुसैन बेग का नॉर्थ कश्मीर में खासतौर पर पहाड़ी भाषी इलाकों में अच्छा जनाधार है। सफीना बेग ने संग्रामा से बतौर निर्दलीय DDC चुनाव लड़ा और जीती थी। वह पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के समर्थन से बारामूला DDC की चेयरपर्सन भी बनी है। बेग के बारे में कहा जा रहा है कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे और किसी दल विशेष के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन उनके समर्थक चाहते थे कि वह समान विचारधारा वाले किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मुश्ताक मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी बेग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी। अलबत्ता बेग ने लोन के साथ जुड़ना ज़्यादा बेहतर समझा। बेग के PDP को अलविदा कहने से साफ हो गया है कि पहले ही अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही महबूबा मुफ्ती की परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली नहीं है। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडीखुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमरीकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है, और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।